तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि फायरवॉल क्या होता है, किस तरह की सेटिंग से। हमारा कंट्रोल पैनल का ये लास्ट वीडियो है। हो सकता है कि कुछ कंट्रोल पैनल के आपके सेटिंग्स के बारे में पता ना हो, तो आप हर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें और समझे। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर फीचर्स होते हैं यहाँ पर, और हर सेकेंड्स के बारे में आपको सीखना चाहिए, क्योंकि आपको पता चले कि क्या है। मैं आपको ज़्यादातर डीप में बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर आपको समझ में आए, और ज़्यादा डिटेल में बताने से आपको और अच्छी तरह से आप यूज़ कर सको कंप्यूटर को। और सेकेंड्स का क्या मतलब होता है, किस तरह का यहाँ पर सेटअप होता है यहाँ पर। तो कंप्यूटर की इस नेटवर्क कंट्रोल पैनल की लास्ट ये वीडियो है। मुझे लगता है कि विंडोज सर्वर के अंदर कुछ कंट्रोल पैनल की वीडियो बनानी चाहिए, तो वो विंडोज 7 के प्ले लिस्ट में बनाऊँगा मैं। ओके, तो विंडोज 7 की प्ले लिस्ट के अंदर मैं विंडोज 7 के अंदर बनाऊँगा कि यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर सेटिंग्स है। तो बेसिकली मैं आपको कहना चाहता हूँ कि विंडोज 7 के अंदर जैसे जैसे हम सेटअप करेंगे, उसी तरह से हम विंडोज 7 का यहाँ पर कंट्रोल पैनल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कंट्रोल पैनल की सीरीज वही होगी जिसमें हमारे कुछ सेटिंग्स छूटे होंगे। तो बेसिकली मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ वही लास्ट वाला हमारा ऑप्शन कंट्रोल पैनल का। तो कंट्रोल पैनल में आ चुके हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स क्या है यहाँ पर देख सकते हो, इस वीडियो को देख लो। तो अब रीजन क्या होता है, रिमोट ऐप सेटिंग्स क्या होता है, पिछली वीडियो हमने सीखा था विंडोज फायरवॉल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी होती है यहाँ पर, और हर कंप्यूटर हर कंपनी के अंदर ये फायरवॉल होता ही है। साथ ही साथ हमारे हर एक लोकल कंप्यूटर में ये फायरवॉल होता है, तो इसको किस तरह से हमें यूज़ करना है, क्या होता है यहाँ पर फायरवॉल की सेटिंग्स के अंदर। एडवांस सेटिंग्स जब क्लिक करोगे तो एडवांस सेटिंग्स को किस तरह से यूज़ करना है, इनबाउंड क्या है, आउटबाउंड क्या है, तो आउटबाउंड इनबाउंड के अंदर रूल्स क्यों कौन से क्रिएट करते हैं, कनेक्शन सिक्योरिटी रूल्स क्या होते हैं, हमने पिछली वीडियो में बनाया था यहाँ पर। ओके, तो सकते यहाँ पर। तो बेसिकली मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ लास्ट वाला यहाँ पर ऑप्शन, जिससे हम कहते हैं वर्क फोल्डर, से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली वर्क फोल्डर क्या होता है कि हम जब काम करते हैं तो उस काम का कोई फोल्डर हम क्रिएट करते हैं, और उसके लिए हमें कोई बेसिकली यहाँ पर ले सकते हो कि मैं अपना काम को कोई भी कहाँ यूज करना चाहता हूँ, कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ यहाँ पर, वो मुझे पता नहीं चल रहा है यहाँ पर। लेकिन मैं ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट करूँ, ऐसा फोल्डर क्रिएट करूँ जो मैं कहीं पर भी एक्सेस करूँ तो मुझे वही फोल्डर ओपन हो, वही फाइल ओपन हो। उसी तरह से मैं ये वर्क फोल्डर होता है यहाँ पर, जैसे कि ज़्यादातर ये कंपनी के अंदर काम होता है यहाँ पर वर्क फोल्डर्स। तो इसके लिए आपको सर्वर चाहिए होगा, लेकिन अभी मेरे पास कोई सर्वर है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये अभी ये छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल और कुछ डेमो बताऊँगा यहाँ पर। तो बेसिकली मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वर्क फोल्डर वो फोल्डर का काम करता है, एक ऐसा फोल्डर क्रिएट करता है जिसके अंदर आपकी फाइल जो होती है वो कहीं पर भी आप नेटवर्क के अंदर यूज़ कर सकती हो, जैसे कि आपका जरूरी नहीं कि आपको वो कंप्यूटर आपको ओपन करना पड़े। तो ये वर्क फोल्डर का काम होता है। बेसिकली जो अलग अलग यहाँ पर यूजर काम करते हैं, बहुत सारे मान लो कि 100 कंप्यूटर है एक ही कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो हर कंप्यूटर का कोई ना कोई अलग अलग काम होगा। तो उस कंप्यूटर के अंदर मान लो कि आपका कंप्यूटर खराब हो चुका है, तो दूसरे कंप्यूटर को आप किस तरह से काम करोगे उस वो वर्क फोल्डर से भी कर सकते हो आप, जैसे कि आप यूजर आईडी ऐड करके भी आप दूसरा का सेट कर सकते हो। लेकिन मुझे वर्क फोल्डर ऐसा ऐड करना है जो अलग काम के लिए हो, तो वर्क फोल्डर पर जैसे क्लिक करता हूँ, जैसे तो यहाँ पर वर्क फोल्डर है। तो बेसिकली मेरे पास कोई सर्वर है नहीं, तो यहाँ पर वर्क फोल्डर क्या एक तरह की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं कि कोई भी डिवाइस हो आपका, ऑफलाइन भी हो जाते हो सर्वर से, लेकिन उस सर्वर को ऑफलाइन होने से पहले आपने उस डायरेक्टरी को उस फोल्डर को कॉपी कर ले आपके सिस्टम के अंदर, तो वह आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी जैसे ही मैं आपको इस तरह यहाँ पर कंट्रोल पैनल होम पर क्लिक करूँगा तो होम पर ले जाएगा। ओके, और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। तो बेसिकली आप इसलिए कि यहाँ पर फोल्डर बनाया है यहाँ पर कुछ बिल्डिंग जैसा बनाया है, तो इसका मतलब यही है कि आप जैसे ही आप देख सकते हो कि आपको पता नहीं चल रहा था यहाँ पर देख सकते हो कि मैनेज वर्क फोल्डर, यूज वर्क फोल्डर टू मेक योर वर्क फाइल्स अवेलेबल ऑन ऑल डिवाइस यूज इवन वेन ऑफलाइन। तो आप यूज़ कर सकते हो पूरे डिवाइस के अंदर, चाहे वो आपका लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो या, तो ये क्या करता है एक तरह का क्रिएट कर देगा फोल्डर। तो सेटअप करना होगा आपको, लेकिन इसको सेटअप करने से पहले आपको इस कंप्यूटर को कनेक्ट करना होगा आपके सर्वर के साथ,
और सर्वर के साथ कनेक्ट करने के साथ साथ आपको वो चीज मेंशन करनी होगी जो आपका कनेक्शन जो ठीक तरह से है और आपने कनेक्ट करके रखा है बहुत ही सिक्योरिटी पर रूल्स के थ्रू। इसे सेटअप वर्क पर फॉलो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो पूछेगा कि आपका ईमेल एड्रेस कौन सा है, आपका ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। वो ईमेल एड्रेस के बिना, ईमेल सर्वर के बिना आप यूज नहीं कर सकते हो, या तो फिर आपको यूआरएल एंटर करना होगा। तो बेसिकली यूआरएल मैंने कहा था कि क्या होता है कि वही ओपन होगा यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ऐड करना होता है। यहाँ पर जैसे कि मैं लिखता हूँ कि माय कंपनी लिखूँगा यहाँ पर, ओके तो यहाँ पर माय कंपनी मैंने लिखा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एड्रेस होता है ईमेल एड्रेस वो चेक करने जाएगा सीधा नेटवर्क के ऊपर, नेटवर्क से चेक होकर वो सर्वर के थ्रू आएगा हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो वो क्या करेगा, इस यहाँ पर यूआर वर्क फोल्डर का सेट करेगा। तो इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर इस तरह की यूआरएल भी देना होगा आपको। तो कोई फोल्डर है आपको यूआरएल ऐड करना है, ईमेल है तो ठीक है, ईमेल नहीं है तो आपको यूआरएल ऐड करना होगा। तो यूआरएल ऐड करने से पहले आपको वर्क फोल्डर की तरह यहाँ पर सर्वर कॉन्फ़िगर करना होगा, वो हम सर्वर की सीरीज में सीखेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि जब तक ये ऐड नहीं करोगे तब तक आप यूआरएल से यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर HTTPS लिखा है, वो समझा रहा है, बता रहा है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर लिखा है यहाँ पर। तो ये क्या है, सिक्योरिटी के लिए है। इंक्रिप्शन भी देता है यहाँ पर, जब भी हमारा कोई इंक्रिप्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी आप डेटा लिखते हैं तो इसको फाइल के अंदर सेव किया इंक्रिप्शन के थ्रू, तो वो उसके वो भले ही फाइल ओपन कर दे उसको दिखा नहीं देगा। दूसरा इंक्रिप्शन क्या होता है नेटवर्क के अंदर, कि जब भी हमारा डेटा सर्च इंजन के थ्रू जाता है यहाँ पर, मतलब हम सर्च बार की तरफ से जाता है यहाँ पर, तो उस इंफॉर्मेशन के साथ नंबर सिंबल कैरेक्टर बहुत सारा ऐड करके मिक्स करके इन सब कुछ मिक्स होकर जाता है यहाँ पर सामने वाले कंप्यूटर के अंदर। ये सामने वाला कंप्यूटर वही प्रोटोकॉल उस चीज़ को निकाल देगा और वो फिर जिसे यहाँ पर क्या करेगा, सेट कर पाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं यहाँ पर कि मैं देखता हूँ www.xyzcompany या तो फिर कोई भी नेम दे देता हूँ यहाँ पर, csts लिख के देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर .com लिखना होगा मुझे, ओके। तो .com है .in है, वो डिपेंड है आपके सर्वर के ऊपर। अगर मुझे फोल्डर मैंने क्लियर करके रखा है तो ये URL कोड देता है। जब हम वर्क फोल्डर्स URL जो होता है वर्क फोल्डर जो हम क्रिएट करते हैं, तब ये सर्वर का काम होता है कि ये URL हमें दे, हम सिर्फ यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो ये जैसे आप लॉगिन करोगे तो फाइल का एक इंटरफेस आएगा, फोल्डर का एक इंटरफेस आएगा। उस इंटरफेस के अंदर आपको अलग अलग कैटेगरी देता है यहाँ पर। तो हर कंप्यूटर के ऊपर जो आप जैसे फोल्डर जो होता है आप ओपन डायरेक्टली दूसरे का नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी यहाँ पर कुछ सेटिंग्स होती है, तो आपको एक्सेस ना करे तो फिर आपको दिखाई ना दे ऐसा भी यहाँ पर सेटिंग्स होते हैं। तो वो सर्वर के थ्रू होता है, सर्वर के हम वीडियो में सीखेंगे। तो अभी इतना समझ लो कि मुझे वो फोल्डर चाहिए, वर्क फोल्डर वो भी इंटरनेट के थ्रू मेरे सर्वर के अंदर से, तो मुझे ऐड करना होगा। ज़्यादातर ये सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट और डिजाइनिंग डिपार्टमेंट जो होते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी काम करते हैं, खास करके वो कंपनियां करती है जहाँ पर उनका डेवलप होना चाहिए कंपनियों का, यहाँ पर वो करते हैं ज़्यादा पर वो वेबसाइट बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं डायरेक्टली बिना कोई सर्वर के मेन बंदा ऑफिस में जाए, वो बाहर से भी कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू ये फोल्डर ओपन कर सकते हैं। जब तक कि हैकर जो होता है उनका ये URL और यूज़र आईडी और पासवर्ड ना देख ले तब तक वो कुछ नहीं कमेंट कर सकता। तो उसको नेस्ट करना है यहाँ पर। तो अभी तो बोल रहा है कि अभी तो मेरा कोई भी यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कोई एंटर है नहीं और मुझे एरर दे रहा है, क्योंकि इसका एरर का काम ये है कि एरर की उसने दी क्योंकि उसने मैंने नेस्ट किया, तब ये जो प्रोसेस होती है यहाँ पर एरर देने की बहुत ही छोटी सी लॉन्ग प्रोसेस है, छोटी प्रोसेस है लेकिन लॉन्ग प्रोसेस के वो इस तरह से हमें डायरेक्टली इस तरह इतना छोटे से टाइम के अंदर में बताया जाता है। तो आपने एंटर किया है URL, नेस्ट करोगे तो वो रिक्वेस्ट जाएगी सीधा नेटवर्क के पास, नेटवर्क के थ्रू जाएगी सीधा वो
उस सर्वर के पास जहाँ पर ये वर्क फोल्डर का यहाँ पर सर्विस बना है यहाँ पर, फिर वो चेक करेगा कि ये यूआरएल बराबर है या नहीं। चेक करने के बाद वो अलाउ करेगा, अलाउ करने के बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड एंटर करना है या तो फिर आपको कुछ अकाउंट क्रिएट करना होगा या बस तक कि वो यहाँ पर जो सेटिंग्स की होगी वो सर्वर के ऊपर की होगी, फिर वो आपको अलाउ करेगा। फिर वो अलाउ करने के बाद वो आपको फिर से यहाँ पर नोटिफिकेशन भेजेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक विंडो आती है यहाँ पर, तो वो जब तक विंडो ऑपन नहीं होगी तब तक यहाँ पर इस तरह से या जो फाइल दे सकते हो यहाँ पर, फोल्डर दे सकते हो यहाँ पर, यहाँ पर फोल्डर दे सकते हो यहाँ पर, इस तरह से फोल्डर आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे नेटवर्क के हम जैसे क्लिक करते हैं तो कुछ यहाँ पर हमारे पीसी के जो होते हैं अपने नेटवर्क की वीडियो में, अपने नेटवर्क सेटिंग सेंटर की वीडियो में देखा होगा कि कुछ पीसी जो होते हैं हमारे स्टोर रहते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है एक तरह का स्टोरेज करने का यहाँ पर सिस्टम होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर वर्क फोल्डर का भी है जो स्टोरेज करने का सिस्टम होता है। तो जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक ये एरर दे देता है। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पर, तो ये डोमेन होता है यहाँ पर उसको क्रिएट करने का। तो ये हमारा आज का, ये आज से हमारा जो कंटेनमेंट का जो सीरीज़ था वो पूरा हो चुका है यहाँ पर। ओके, विंडोज 7 के कुछ सीरीज़ जो है, विंडोज 7 के कुछ यहाँ पर सेटिंग्स जो है कंट्रोल पैनल के नहीं है, तो विंडोज 7 की एक प्लेलिस्ट में बनाऊंगा, उसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि कुछ जो विंडोज 7 के अंदर कंट्रोल पैनल के जो ऑप्शन है उसको इसको किस तरह से आपको यूज़ करना है, तो इसको ये भी हम यूज़ करेंगे। ओके, तो अभी हमारा कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट पूरी हो चुकी है यहाँ पर। अब हम आप देख सकते हो कि हमारे कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट के साथ साथ हमारी विंडोज 10 सेटिंग्स के अंदर भी यहाँ पर प्लेलिस्ट आ चुकी है, यहाँ पर हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट आ चुकी है यहाँ पर, साथ ही साथ हमारे कंप्यूटर की यहाँ पर वेबसाइट के लिए, जीमेल के लिए, फेसबुक के लिए किस तरह से यूज़ करना है, बहुत सारी वेबसाइट के लिए प्लेलिस्ट मैंने बना चुका हूँ यहाँ पर, तो वो जाकर आप चेक कर सकते हो। और चेक करने के बाद आप पढ़ना है आपको, पढ़ सकते हो यहाँ पर, तो मैं आपको डीपली समझाता हूँ यहाँ पर। ओके, बेसिकली इसका कारण यही है कि आप अच्छी तरह से हमारे जो कोई भी हमारा कंप्यूटर यूज़ करने वाले लोग हो वो ज़्यादातर समझिए यहाँ पर हमारे कंप्यूटर को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर, आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको चला तो नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।